यदि 2024 में आपको भी गैस कनेक्शन लेना है तो इसके लिए आपको एजेंसी का चक्कर काटने का कोई भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा, तभी जाकर के आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साइट पर आ जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन ऑनलाइन, क्लिक कीजिएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं न्यू कनेक्शन। देन यहां पर आपको अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। अकाउंट सेटअप करने के लिए नीचे में आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ, देन आपको अपना फर्स्ट नेम यहां पर दे देना है, लास्ट नेम आपको अपना यहां पर डाल देना है, मोबाइल नंबर आपको यहां पर डाल देना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिएगा, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है, देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी का आपको यहां पर डाल देना है, देन वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आपको अपना पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, अपना न्यू पासवर्ड आप यहां पर सेट कीजिएगा। पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, देन कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। सक्सेस, योर पासवर्ड हैज बीन सेंट, देन यहां पर आप देख सकते हैं प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन। यूजर नेम के जगह पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है, पासवर्ड आपको यहां पर रख देना है, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन आप इसके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन सबमिट केवाईसी क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर आपको जनरल स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन इस केवाईसी के चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, देन नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट क्लिक कीजिएगा। देन केवाईसी का फॉर्म खुल करके आ जाएगा जिसे आपको बारीकी से भरना है। प्रीफिक्स में आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, तो टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर रहेगा, मिडिल नेम आपको यहाँ पर दे देना है, लास्ट नेम आपका पहले से रहेगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा मेल या फीमेल, मार्शियल स्टेटस में आप मैरिड है या सिंगल है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, इस डेट पिकर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आपको रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। रिलेटिव यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है तो आप फादर भी सेलेक्ट कर सकते हैं या स्पाउस के सेलेक्ट करके आप अपने हस्बैंड या वाइफ का डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमारे केस में फादर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फादर का फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, मिडिल नेम हम यहाँ पे दे देंगे और लास्ट नेम यहाँ पर दे देंगे। अदर का फर्स्ट नेम हम यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस में एज पर आधार कार्ड, एड्रेस 1 यहाँ पर डाल देंगे, एड्रेस 2 में थोड़ा बचा खुचा के यहाँ पर डाल देंगे, देन एड्रेस 3 में सिटी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, हमारे एड्रेस का लैंडमार्क यहाँ पर डाल देंगे, सिटी है या टाउन या विलेज जो भी होगा उसका नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, पिन कोड क्या है हमारे एरिया का यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड जैसे ही आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस टाइप में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है रूरल एरिया में आप रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने बोलेगा, तो आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। देन आप कौन से गांव पे रहते हैं, अपना विलेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यही चीज अगर आप अर्बन पर सेलेक्ट करते यानी कि शहरी क्षेत्र, तो आपको ये सब सेलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। देन आपके एरिया में जो भी नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा, देन सेलेक्ट प्रोडक्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। स्कीम टाइप में आपको जनरल स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल क्लिक कीजिएगा। देन गैस सिलेंडर आपको कितना केजी वाला चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर 14.2 केजी जनरल पैकेज, आपको इसके चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। देन नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट का बटन क्लिक कर लीजिएगा, देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे, तो सबसे पहले में आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहां पर डालना है। आप यहां पर क्या क्या दे सकते हैं लिस्ट में आप देख सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट यहां पर रहेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर आपको यहां पर मेंशन कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एड अटैचमेंट, चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ध्यान रहे जो भी आप आधार कार्ड यहां पर अपलोड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट PNG, JPG या PDF होना चाहिए और साइज जो है 512 KB से
ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए करेंगे चूज फाइल का ऑप्शन पर क्लिक, देन जहां भी आपका वो डॉक्यूमेंट होगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन इसी प्रकार से आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, इसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं और सेम जैसे आपने इसे अपलोड किया है आप यहाँ पर भी अपना आधार कार्ड इसी प्रकार से अपलोड कर लीजिएगा। दोनों जगह पर आधार कार्ड अपलोड कर लेने के बाद नीचे में आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर लीजिएगा, देन अदर डिटेल के सेक्शन पर आप आ जाएंगे। यदि आप पाइप नेचुरल गैस के कंज्यूमर है यानी कि कस्टमर है तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है, यदि आप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। यदि आपको अपना गैस कनेक्शन में सब्सिडी नहीं चाहिए उसके लिए आप यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, और यदि आपको अपना कनेक्शन में सब्सिडी मिलते रहना चाहिए तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, हमारे केस में हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो यस करेंगे। देन बोला जाएगा थैंक यू फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ योर सब्सिडी, सिंपली ओके करेंगे। देन नीचे में आएंगे, यहाँ पर आपको राशन कार्ड अपलोड करना है तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस स्टेट का राशन कार्ड आपके पास में होगा, और राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना राशन कार्ड दीजिए, यदि आपके पास में राशन कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट द स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए यानी कि इसे खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, इस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं एड अटैचमेंट, देन चूज फाइल करेंगे, देन जहां भी आपका वो फोटो होगा अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड कर लेने के बाद सेव करेंगे, नीचे में आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, क्लिक कर लीजिएगा। फाइनली डिक्लेरेशन के पेज पर आप आ जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करके आपको आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक्सेप्ट, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वापस से हमें यहाँ पर रीलॉगिन करना होगा, रीलॉगिन करने के लिए पहले लॉग आउट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और लॉग आउट कर जाना है। देन वापस से लॉगिन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा। देन वापस से आप लॉगिन हो जाएंगे, स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं LPG, क्लिक कर लीजिएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का स्टेटस, तो अभी हमने जस्ट इसे सबमिट किया है तो सबमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया जा रहा है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, वहां पर से पेंडिंग में है, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही पास होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडी फॉर LPG कनेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा, वो लोग जो भी बताएंगे जितना क्या पैसा लगेगा, अमाउंट क्या लगना है, क्या प्रोसेस है, वो लोग सारा आपसे पूरा करा लेंगे। जैसे ही आपको अपना कनेक्शन मिल जाता है तो ये जो पूरा सिलेंडर बुक तक का आपको ओके हो जाएगा। यदि आपको ये एप्लीकेशन को कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से 2024 में आप एक न्यू गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। यदि आप सभी प्रकार के ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, राष्ट्रपति जी से कैसे शिकायत करें, प्रधानमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे शिकायत करें, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ओपनिंग, आधार कार्ड, फूड लाइसेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग, RTI फाइल करना, इस प्रकार के रोज हमारे चैनल पर कंटेंट अपलोड होते रहते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल संघर्ष डिजिटल क्लासरूम को।